और चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज का। बता दें आपको बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर तोशाम खनन हादसे को लेकर सरकार एक्शन में है। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी, खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह अहम बैठक बुलाई है। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से अधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई है। तो बता दें आपको सरकार एक्शन मोड में, इस पूरे मामले को लेकर सभी खनन अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से कल सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जो सचिवालय में बुलाई गई है। अवैध खनन पर रोक को लेकर समीक्षा इस दौरान की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता दें, जहां पर तोशाम खनन हादसे को लेकर सरकार एक्शन में है, जिस तरह से बात कर रहे थे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, जिस तरह से पूरी घटना सामने आई थी तोशाम हादसे को लेकर, अब कल सुबह 11 बजे एक मीटिंग भी बुलाई गई है खनन मंत्री की ओर से, क्या कुछ और जानकारी इस मीटिंग से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए जो तोशाम के डायडम में एक बड़ा हादसा जो हुआ है, उसके बाद हरियाणा में जो खनन का मामला है उसको लेकर सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। और इसी के बीच हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बुधवार को 11 बजे एक बैठक बुलाई है। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित जो सचिवालय में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा का कार्यालय है, वहां पर होनी है। बैठक का समय करीब 11 बजे का रखा गया है। पवन, बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या समझे, क्या कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है इस मीटिंग में, समीक्षा मीटिंग में? देखिए, इस बैठक में पूरे प्रदेश में जो खनन जिस जिस जगह पर हो रही है, या किस तरह से कहां का मंजूरी के साथ हो रही है, किस जगह पर कोर्ट की तरफ से क्या माइनिंग को लेकर आदेश है, और कौन कौन से जो ठेकेदार है उनके पास खनन का काम है, पूरी समीक्षा की जाएगी। कहां पर किस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के आधार पर क्या जो है वो कहां कमियां हैं, पूरी एक समीक्षा जो है वो पूरे खनन नीति पर की जाएगी। और उसके बाद भी देखना यही होगा कि बैठक में क्या कोई और बड़ा फैसला लेने पर जो है वो कोई फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन पूरी प्रदेश में जो खनन है, उस खनन में कहां किस तरीके की खामियां मिल रही है, किस तरह से कहां कहां पर कौन कौन सी साइट पर काम चल रहा है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो काम कर रही है, इस तरह की तमाम जो चर्चा है वो इस समीक्षा बैठक में होगी। बिल्कुल, सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन में हो, और कल सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है खनन मंत्री की ओर से। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए।